मोदी की नैया फंसी बीच मझधार, बहुमत का आंकड़ा नहीं हुआ पार, और इसी चक्कर में अब आगे क्या होगा इसको लेकर चर्चा हो रही है। लेकिन इस बीच एक एन फैक्टर है जो कि काफी चर्चाओं में है। ये एन फैक्टर क्या है? इस एन फैक्टर के सहारे ही ये सरकार टिकी हुई है। अगर ये एन फैक्टर हट जाएगा तो बहुमत का आंकड़ा एनडीए खो देगा। भारतीय जनता पार्टी के पास तो वैसे ही इस बार बहुमत नहीं आया है। ये एनडीए जो कि सरकार बनाएगा, जो कि गठबंधन है, वो भी टूट जाएगा, बिखर जाएगा। क्या है ये एन फैक्टर का पूरा फॉर्मूला, आपको बताते हैं इस वीडियो में। आजादी के बाद से अब तक पंडित जवाहरलाल नेहरू को छोड़ दें तो कोई भी प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में सफल नहीं रहा। पीएम मोदी के पास इन चुनाव में लगातार तीसरी बार बहुमत की सरकार बनाकर पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी करने का मौका था, लेकिन अब ये थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। कैसे, चलिए आंकड़ों के जरिए समझाते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसमें एनडीए को 290 के करीब सीटें मिलती दिख रही हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के पास अकेले 240 के करीब सीटें हैं। वहीं बिहार में एनडीए के साथ ही नीतीश कुमार की पार्टी को 12 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू 16 सीटें लाते दिख रहे हैं। नायडू और नीतीश के पास कुल मिलाकर 28 सीटें हैं। अगर ये पलट जाते हैं, यानी कि एन फैक्टर अगर उलट जाता है, तो फिर एनडीए बहुमत अपना खो देगी। फिलहाल मौके की नजाकत को भांपते हुए विपक्षी गठबंधन इंडिया काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। नेताओं की भागदौड़ शुरू हो चुकी है। अगर इंडिया खेमा नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को अपनी तरफ लाने में सफल रहता है तो खेल बदल सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बातचीत की है। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मिलने बिहार बीजेपी के अध्यक्ष और बिहार सरकार में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सीएम हाउस पहुंचे। हालांकि बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन नीतीश ने एक दिन पहले ही दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। कुल मिलाकर सरकार बनाने के लिए एन फैक्टर काफी अहम है और भारतीय जनता पार्टी इस एन फैक्टर को खोना नहीं चाहेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।